इसीलिए मॉडर्न जो तरीका है अब वो फिजिकल नहीं रहा, अब वो वर्चुअल हो गया है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम मॉडर्न वे को अपनाएं और वर्चुअल दुनिया पर जहां पर लोग हैं एक्चुअली वहां पर लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करें। जब मैं उनके घर पे खाने पे गया तो उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि आपका वीडियो देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ और इसीलिए मैंने आपको घर पे खाना खाने के लिए बुलाया है और ये जो 5 लाख का चेक मैंने 1 साल पहले आपको कमिट किया था वो ये ले लीजिए। तो उस कस्टमर से कैसे बात करनी है, उसकी कला को आपने सीखा है, वो कला इंपॉर्टेंट है, उस कला को आपने सीखा है, अब उस कला को लेकर वो कला की मदद से आप सीओटी टीओटी या फिर 1000 करोड़ का भी एम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उस कला को आना बहुत जरूरी है। बात करने वाले हैं फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर के काम करने का जो ट्रेडिशनल तरीका था, जो पुराना तरीका था उसके बारे में, और फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर का जो नया तरीका, जो मॉडर्न तरीका होना चाहिए, इसके बारे में। ये दो टॉपिक्स पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं और बहुत सारी चीजों को, काम करने का नया तरीका इस वीडियो के द्वारा हमें समझ में आने वाला है। और इस टॉपिक पर डिटेल में बात करने के लिए आज हमारे साथ में देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ सक्सेसफुल और बहुत ज्यादा एक्टिव फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर हमारे साथ में जुड़े। तो चलिए मिलते हैं इन फाइनेंशियल एडवाइजर से। ये फाइनेंशियल एडवाइजर, ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, इस पर मुझसे प्रश्न पूछेंगे और इनके प्रश्नों को मैं उत्तर देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ से मिस्टर उमेश हैतल जी। उमेश जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ उमेश जी, आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, थैंक यू आज इनवाइट करने के लिए। सो उमेश जी, आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है कि फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर्स के का ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग क्या था वर्सेस फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर का मॉडर्न तरीका क्या होना चाहिए काम करने का, ये हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को लेकर उमेश जी आपके मन में क्या प्रश्न आता है, पूछिए। सर मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा सर आपसे कि ये फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए जो बिजनेस का बिजनेस में मैन एक्वायर करने का जो पुराना तरीका था सर, वो क्या था, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा सर। उमेश जी, मैंने 2003 से फाइनेंशियल एडवाइजरी, इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम करना शुरू किया, 2004 से, 2003 नहीं, 2004 से काम करना शुरू किया। और उस वक्त मैं जिस तरीके से काम करता था वो मैं आपको बताऊंगा। मैं म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स पे चले जाता था और वहां पर जो नर्सेस होती थी उनको अप्रोच करता था इंश्योरेंस लेने के लिए। मैं सोसाइटी के अंदर चले जाता था और वहां पर लोगों का दरवाजा ठोककर उनसे कहता था कि सर मैं ये कंपनी से हूं और यू नो इंश्योरेंस के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं जो है येलो पेजेस की बुक ले लेता था, येलो पेजेस की बुक लेता था और उसके उसके अंदर जो नंबर्स होते थे वो नंबर्स पर फोन कॉल करता था, कोल्ड कॉल करता था यू नो, और जो है उनसे अपॉइंटमेंट लेता था। तो 10 जनों को अगर फोन करता था तो 2-3 लोग अपॉइंटमेंट दे देते थे। डोर टू डोर जो जाता था, 10 लोगों को अगर दरवाजा ठोकता था तो एक आदमी तो मुझे एंटरटेन कर लेता था। हॉस्पिटल में रिस्पॉन्स अच्छा मिलता था, हॉस्पिटल में जब नर्सेस को जाकर अप्रोच करता था तो 10 में से 5-6 नर्सेस जो है वो यू नो एंटरटेन कर लेती थी वहां पर। तो ये एक तरीका था। इसके अलावा ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग जो है वो जो कस्टमर बन गए यू नो उन लोगों से फिर रेफरेंस लेना, ये भी एक ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग। इसके अलावा कस्टमर्स लोगों के साथ में 2006 में मुझे याद है मैं कस्टमर का सेमिनार करता था, 2006-2007 में मैं क्लाइंट सेमिनार करता था। तो क्लाइंट सेमिनार भी अगेन एक ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग है। मुझे ये भी याद है दिवाली के दिनों में यू नो जो अच्छे प्रोस्पेक्ट्स जो मेरे कस्टमर बन सकते हैं उन लोगों को मैं यू नो कुछ गिफ्ट भी जाके दे के आया करता था, अपने लेवल के हिसाब गिफ्ट दे के आता था यू नो। तो ये जो सारे तरीके हैं, मैं वो चीजें नहीं बोल रहा हूँ जो मैंने कहीं पढ़ी है, मैंने जो की है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो यू नो डायरेक्टली किसी के घर में चले जाना, किसी के ऑफिस में चले जाना, ये ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग है। अननोन नंबर पर फोन कर देना,
ये ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग है। कस्टमर से रेफरेंस मांगना ये ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग है। प्रोस्पेक्ट्स को गिफ्ट देना ये ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग है। यू नो क्लाइंट सेमिनार करना ये ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग है। तो ये सारी चीजें जो है उमेश हैदर जी, ये सारी चीजें मैंने की है और ये मैं ट्रेडिशनली पुराने समय में ये सारी चीजें करता था। पुराने समय में इन द सेंस जब मैंने काम करना शुरू किया तब मैं ये सारी चीजें कर चुका हूं और उस जमाने में मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल चुका है। लेकिन अब ये सारी चीजें जो है वो पुरानी हो चुकी है। ये आज की तारीख में ये सारी चीजें जो है वो उतना रिटर्न नहीं देती है। ये आपके प्रश्न का उत्तर उमेश जी। जी थैंक यू सर। या तो चलिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर सैयद जी को। सैयद जो है वो रांची से हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये जो हमारा टॉपिक है इस टॉपिक को लेकर आपके मन में क्या प्रश्न आता है। सर आपने अभी जो पुराने तरीके बताए, मैं भी 2007 से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ और मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से कि मैंने भी कई इस पुराने तरीके को अपनाया, लोगों को भी बताया। बट सर क्या आप ये बता सकते हैं कि आज के मॉडर्न युग में जो कलयुग चल रहा है, आज जो तकनीक इतना आगे बढ़ गया है, सारी चीजों का AI आ गया है, तो इंश्योरेंस क्लाइंट एक्वायर करने का, एक्विजिशन करने का मॉडर्न तरीका क्या हो सकता है? अब देखिए क्या है कि ये जो तरीके हैं, जो तरीके मैंने आपको बताए, ये तरीके उस वक्त जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते थे और इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। और ये सारी चीजें जो है उस वक्त का जो माहौल था, लोगों के जो काम करने का तरीका था उस हिसाब से परफेक्ट थे। लेकिन आज लोगों के काम करने का तरीका जो है वो 360 डिग्री बदल गया है। पहले लोग फिजिकल दुनिया में होते थे, आजकल लोग फिजिकल दुनिया में नजर नहीं आते। देखिए आप और मैं भी जो है एक दूसरे से वार्तालाप तो कर रहे हैं लेकिन फिजिकल दुनिया में नहीं है। हम लोग वर्चुअल दुनिया पे एक दूसरे से मीटिंग कर रहे हैं। तो आजकल लोगों के मिलने का तरीका फिजिकल नहीं है, वो वर्चुअल हो गया है। यू नो तो क्योंकि अब लोग जो है अपने ज्यादातर काम जो है अपना बिजनेस, अपनी मीटिंग वो वर्चुअली कर रहे हैं, इसीलिए मॉडर्न जो तरीका है अब वो फिजिकल नहीं रहा, अब वो वर्चुअल हो गया है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम मॉडर्न वे को अपनाएं और वर्चुअल दुनिया पर जहां पर लोग हैं एक्चुअली वहां पर लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करें। तो दो तरीके हैं वर्चुअल दुनिया में काम करने के। एक तो तरीका है कि हम हमारा जो मैसेज है, जो भी मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं उसके उसके हम पोस्ट बनाए, पोस्ट बनाकर हम उसे सोशल मीडिया पे जो है वो पब्लिश करें। फिर चाहे वो फेसबुक हो, फिर चाहे वो लिंक्डइन हो, फिर चाहे वो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हमें पोस्ट बनाकर जो हम मैसेज लोगों को देना चाहते हैं कि भाई हमारे पास में क्या चीज है, हम क्या आपको दे सकते हैं, उसके पोस्ट बनाकर लोगों को भेजें सोशल मीडिया के द्वारा, वर्चुअल मीडिया के द्वारा लोगों को भेजें। एक तो ये तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि हम जो मैसेज लोगों को देना चाहते हैं उसके वीडियोज बनाए, अपने वीडियोज बनाए और वीडियोज के द्वारा हम सोशल मीडिया में उसको भेजें ताकि लोगों को पता चले कि मैं क्या काम करता हूं और मैं कैसे लोगों की मदद कर सकता हूं। यू नो अब ये जो दो तरीके मैंने आपको मॉडर्न तरीके बताए सही है, इन दोनों में से जो मेरा फेवरेट है, जो मेरे लिए जो मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड लगता है वो है वीडियो बनाकर लोगों को भेजना। अब आपके मन में आएगा कि वीडियो बनाकर लोगों को भेजना ये क्यों ज्यादा फायदेमंद लगता है। देखिए जब हम वीडियो बनाकर लोगों को भेजते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, वीडियो जब लोगों के पास में जाते हैं तो वो व्यक्ति जो है वो हूबहू मुझे देख लेता है, मेरे से रूबरू हो जाता है कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा बोलता हूं और जो है मेरा बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीजें उसको दिख जाती है। यू नो उससे भी मेरे बारे में वो बहुत सारी चीजें जो है वो जज कर लेता है। इसके अलावा मेरा मैसेज उसकी तरफ ऐसे जाता है जैसे मैं उसके सामने बैठकर बातचीत कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जब मेरे लगातार बार बार वीडियोस लोगों के पास जाते हैं तो जाने अनजाने में वो व्यक्ति जो है वो मुझे पसंद करने लगता है, वो मुझे लाइक करने लगता है, वो मेरी बातों से सहमत होने लगता है। यू नो और कहीं ना कहीं भविष्य में वो मुझसे जुड़ना भी चाहता है, मुझसे काम भी करना चाहता है। यू नो और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो बनाकर यू नो सोशल मीडिया पर पब्लिश करना ये मॉडर्न जमाने का सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड तरीका। तो आपके प्रश्न का उत्तर या सही है। थैंक यू सर, आपका आपने जो बताया सर वो बहुत ही मतलब एक्यूरेट है और उसको हम लोगों को सबको अपनाना
अमल करनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। थैंक यू सैयद। चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे हमारे साथ में जो जुड़े हैं फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर नारायण सिंह राठौड़, जो कि हमारे साथ में जुड़े हैं राजस्थान से, राजस्थान के बीकानेर शहर से हमारे साथ में जुड़े हैं। सो नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और आपके मन में क्या प्रश्न है ये जो टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं इसको लेकर? ओटी, थैंक यू सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जो बताया नया तरीका, आप अगर बताएं कि जो नया तरीका जो लोग कुछ यूज कर रहे हैं उनको क्या फायदा आ रहा है, ऐसा कुछ एग्जांपल हमें बता पाएंगे सर? डेफिनेटली नारायण जी, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। कुछ सालों पहले की बात है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर ने BITV के चैनल पर एक वीडियो बनाया। नारायण जी, एक फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर ने BITV के चैनल पर एक वीडियो बनाया, और उस वीडियो में हमने उनकी जीवनी के ऊपर चर्चा की, उनकी लाइफ जर्नी के ऊपर चर्चा किया। और वो वीडियो जब उन्होंने पब्लिश किया तो उनका ऐसा कहना था कि जब उस वीडियो को उन्होंने पब्लिश किया तो बहुत सारे लोगों से उनको जो है मैसेजेस आए कि आपका वीडियो बहुत अच्छा। और कुछ समय के बाद उस व्यक्ति ने नारायण जी अपने ऑफिस में मुझे आमंत्रित किया कि आप हमारे ऑफिस में आइए, हम आपको यू नो, हम आपके साथ में एक छोटी सी पार्टी करना चाहते हैं। मैंने बोला पार्टी क्यों करना चाहते हैं? तो बोले आप आइए तो हम बताएंगे। अब जब मैं उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने मुझे बताया नारायण जी कि वो वीडियो रिलीज हो जाने के बाद में उस वीडियो को देखकर हजारों मुझे अप्रिसिएशन आए, हजारों अप्रिसिएशन तो आए, लेकिन एक मेरा प्रोस्पेक्ट ऐसा था जिसे मैं पिछले एक साल से अप्रोच कर रहा था, और उन्होंने मुझे बोला था कि वो मेरे थ्रू 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे हर साल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में। लेकिन एक साल से मैं उनको फॉलोअप कर रहा हूं, वो व्यक्ति मेरा फोन नहीं उठाता था, लेकिन जब ये वीडियो मैंने उन्हें भेजा तो मेरा वीडियो देखने के बाद उस व्यक्ति ने मुझे फोन करके सामने से मुझे फोन किया और अपने घर पे खाने पे बुलाया। जब मैं उनके घर पे खाने पे गया तो उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि आपका वीडियो देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ, आपकी लाइफ जर्नी से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, और इसीलिए मैंने आपको घर पे खाना खाने के लिए बुलाया है, और ये जो 5 लाख का चेक मैंने एक साल पहले आपको कमिट किया था वो ये ले लीजिए। तो वो उस व्यक्ति ने, उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने अपने घर पे मुझे खाने के लिए इसलिए बुलाया नारायण जी, क्योंकि उस वीडियो को बनाने के बाद में एक कस्टमर जो कि पिछले एक साल से उनका फोन नहीं उठा रहा था, उस कस्टमर ने उन्हें अपने घर पे बुलाया, खाना खिलाया और 5 लाख रुपए का चेक। यू नो, ऐसे कई एग्जाम्पल है नारायण जी, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। हमने एक व्यक्ति का वीडियो बनाया और उसके वीडियो को करीबन 9 लाख लोगों ने देखा नारायण जी, 9 लाख लोगों ने देखा, और कम से कम हजारों उसको YouTube के द्वारा उसको कमेंट्स भेजे, हजारों कमेंट्स उसको YouTube के द्वारा। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है नारायण जी, यू नो, जो कि ये बताते हैं कि वीडियो का पावर कितना है, यानी कि जो व्यक्ति उसे इग्नोर कर रहा था उस व्यक्ति ने उसे खाने पे बुलाया और उसे चेक भी दिया 5 लाख। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर नारायण जी। बहुत बढ़िया सर, मतलब आपने जिस हिसाब से बताया कि वीडियो की क्या पावर है और उसे किस तरीके से रेस्पॉन्स मिल सकता है, बहुत बढ़िया सर, बहुत। थैंक यू। चलिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर यतेंद्र सिंह जी को, जो कि दिल्ली से है। यतेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अंजित जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे जो BITV के चैनल पे आने का मौका दिया है। तो मेरा एक जो सवाल है वो ये है कि जो 3 महीने का जो आपका कोर्स जो आ रहा है, जिसका एड मैंने देखा है, जिसमें आपने लिखा है कि 3 महीने में MDRT, COT, TOT कर सकते हैं और 100 करोड़ का म्यूचुअल फंड का AUM बना सकते हैं, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है 3 महीने में? आपका प्रश्न जो है वो बहुत जायज है यतेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। डेफिनेटली हमारा एक कोर्स आने वाला है जो कि जुलाई महीने से शुरू होगा। जुलाई महीने से 3 महीने का हम कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है 3 मंथ कोर्स वीडियो स्ट्रेटजी प्रोग्राम, 3 मंथ कोर्स वीडियो स्ट्रेटजी प्रोग्राम फॉर MDRT, COT, TOT और 100 करोड़ म्यूचुअल फंड। ये इस कोर्स का नाम है जो कि जुलाई महीने से
जुलाई महीने के पहले वीक से शुरू होने वाला है। अब देखिए इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन पर चर्चा करेंगे, लेकिन 3 महीने में यतेंद्र जी कुछ ऐसी चीजें, ये जो मॉडर्न तरीका हमने बताया है, ये जो मॉडर्न काम करने का तरीका है, ये तरीके के बारे में हम सिखा देंगे ताकि आप ये जो फॉर्मूला हमने आपको दिया है, इस फॉर्मूले को आप रिपीट कर सकते हैं। हम आपको ही सिखा देंगे कि भैया इसको कैसे आप कर सकते हैं, और जो है इसे अगर उसी फॉर्मूले को आप रिपीट करते रहेंगे तो आप 3 महीने में नहीं, हो सकता है अगले 6 महीने में आप चीजों को कर दो, या 9 महीने में कर दो, या 12 महीने में कर दो, या 1 साल में कर दो, 1.5 साल में कर दो, क्योंकि फॉर्मूला हम आपको दे देंगे। जितने अच्छे से आप उस फॉर्मूले को रिपीट करोगे रिपीट करोगे रिपीट करोगे, उतने जल्दी आप अपने टारगेट को, आप अपने गोल को अचीव कर लो। तो जब आप कस्टमर के पास जाते हो यतेंद्र जी, जब आप कस्टमर के पास जाते हो तो उस कस्टमर से कैसे बात करनी है, उसकी कला को आपने सीखा है, वो कला इंपॉर्टेंट है, उस कला को आपने सीखा है। अब उस कला को लेकर, वो कला की मदद से आप सीओटी टीओटी या फिर 1000 करोड़ का भी एम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उस कला को आना बहुत जरूरी है। वो कला हम आपको सिखाएंगे, फिर उस कला को आप रिपीट करोगे 1 कस्टमर 2 कस्टमर 3 कस्टमर 10 कस्टमर 100 कस्टमर के साथ, तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव करोगे। तो कैसे कर लेंगे एमडीआरटी सीओटी टीओटी, तो जो कला हम सिखाएंगे उसे आपने, हमने आपको सिखा दिया, अब आपने उसे रिपीट करना। तो जितनी बार उसे रिपीट करोगे, जितने अच्छे से रिपीट करोगे, उतना बड़ा आप टारगेट जो है वो अचीव कर पाओ। आपके प्रश्न का उत्तर यतेंद्र जी। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए उमेश जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपके मन में और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये आपने इतना अच्छे से वीडियो स्ट्रेटजी के बारे में, 3 महीने के कोर्स के बारे में बताया, एक जिज्ञासा सी जाग गई है इस कोर्स के लेकर के, क्योंकि जितना तरीका हमने पुराना तरीका था वो लगभग कुछ अभी भी हम उसी के पीछे चल रहे हैं, उसी तरीके पे कार्य होता है अपना। अभी भी हम डोर टू डोर जाते हैं, अभी भी हम एसएमएस कर रहे हैं, अभी भी हम गिफ्ट बांट रहे हैं। अब जो नया अपना तरीके आने वाले हैं, और ये 3 महीने का जो आपने वीडियो स्टडीज का प्रोग्राम लेके आया सर, मैं जानना चाहूंगा कि इसमें आप हमको क्या क्या दे रहे हैं और इसकी फीस कितनी होगी सर, प्लीज। देखिए उमेश जी, सबसे पहली चीज, जो वीडियो स्ट्रेटजी प्रोग्राम है ये 3 महीने का प्रोग्राम है। इस 3 महीने के प्रोग्राम में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मैं इंटरव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ। 3 महीने में 3 वीडियो हम बनाएंगे, इंटरव्यू वीडियो बनाएंगे। तो पहला वीडियो जो इंटरव्यू फॉर्मेट में होगा वो होगा लाइफ जर्नी के ऊपर हम बात करेंगे। तो पूरी जिंदगी की आपके, आपने कहां से काम करना शुरू किया, किस परिस्थिति में करना शुरू किया, क्या क्या आपने मेहनत की, क्या क्या आपने एफर्ट की, क्या क्या तकलीफों को आपने हासिल किया, जिंदगी में कौन कौन सी चीजें आपने पाई है, क्या अवार्ड्स मिले, क्या रिकॉग्निशन मिले आपने, कितने कस्टमर बनाए आप किस लेवल पे, ये सारी चीजें जो है इंटरव्यू फॉर्मेट में हम इसका एक वीडियो बनाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपका इतने सालों का आपने जो काम किया है, 15 साल 20 साल 25 साल से जो आप काम कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो इस 20 साल के दौरान, 10 साल के दौरान, जो कि आपको लगता है कि उस एक्सपीरियंस को अगर लोगों को पता चले तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगा आपके साथ जुड़ने के लिए, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा इंश्योरेंस करने के लिए, ऐसे एक्सपीरियंस का वीडियो इंटरव्यू फॉर्मेट में मैं आपके साथ में बनाता हूं। नंबर थ्री, आपके कस्टमर के साथ में और आपके साथ में इसी तरीके से बैठकर इंटरव्यू फॉर्मेट में उसके टेस्टिमोनियल का वीडियो हम बनाते हैं, यानी कि वो कस्टमर बताता है कि क्यों आप में ऐसी क्या बात है, आपने ऐसे उसकी जिंदगी में क्या परिवर्तन किया, आपसे उसको क्या फायदा हो गया, इसके बारे में वो कस्टमर आपके साथ में बैठकर जो है वो मेरे साथ में इंटरव्यू फॉर्मेट में वीडियो बनाते हैं। अब ये जो 3 वीडियो बने, ये 3 महीने के दौरान ये जो 3 वीडियो बने, ये 3 वीडियो आपके लिए मैजिक करते हैं, मैजिक, क्योंकि आप जो जिन लोगों को अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं, उन लोगों को कस्टमर बनाने के लिए अलग अलग इमोशंस, हर तरह के इमोशंस को आप टच करते हैं, हर तरह के इमोशन को आप टच करते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपने उनके हर इमोशन को टच किया है, कोई तो इमोशन को टच होने की वजह से वो आपके साथ में जुड़ना चाहे।
तो ये तो हम आपके 3 वीडियो बना के देते हैं 3 महीने के दौरान। इसके अलावा हम आपको सिखाते हैं कि आप खुद से वीडियो कैसे बना सकते हैं। हम आपको कंटेंट बनाना सिखाते हैं, हम आपको सिखाते हैं कि कंटेंट को याद कैसे किया जाता है, हम आपको सिखाते हैं कि कैमरे के आगे कैसे बात की जाती है और कैसे वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि आप भविष्य में खुद से ही अपना वीडियो बना बना के पब्लिश करते जाओ। आइडिया हमने दे दिया, स्ट्रेटेजी हमने दे दी, तो ये सारी चीजें हम 3 महीने के पीरियड में सिखाते हैं। ना ही सिर्फ इतना, ट्रेडिशनल वे में उमेश जी, ट्रेडिशनल वे में हम जो सीखते थे तो हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सीखते थे, हम सिर्फ मोटिवेशन के बारे में सीखते थे, हम प्रोडक्ट के बारे में सीखते थे, हम मोटिवेशन के बारे में सीखते थे, हम सेल्स के बारे में सीखते थे। लेकिन आज की तारीख में हमारा नॉलेज यहां तक सीमित नहीं होना चाहिए, हमें लोगों के साथ में ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप कैसे बनाना है इसके बारे में सीखना होगा, हमें बड़ा अचीव कैसे करना है इसके बारे में सीखना होगा, हमें प्रॉस्पेरिटी को कैसे हासिल करना है इसके बारे में सीखना होगा। तो ये सारी चीजें भी हम सिखाते हैं। जब ये सारी चीजें आप सीख जाते हैं कि लोगों के साथ ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप कैसे बनाना है, प्रॉस्पेरिटी को कैसे हासिल करना है, बड़ा अचीव कैसे करना है, जब ये सारी चीजें आप सीख जाते हैं, मार्केटिंग करना, मॉडर्न वे का मार्केटिंग सीख जाते हैं, और जब ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है और इस फॉर्मूले को जब आप रिपीट करते रहते हैं, तो नो डाउट आपका जो टारगेट है, आप जितनी मेहनत करोगे उस मेहनत के आधार पर आप उतने कम समय में आप अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं, अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर कि हम क्या कह सकते हैं, वीडियो बनाकर देते हैं, वीडियो बनाना सिखाते हैं, और इसके अलावा ये जो नॉलेज मैंने आपको बताया, ये सारे नॉलेज हम ये 3 महीने के दौरान आपको देते हैं। 3 महीने में हम टोटल उमेश जी 6 मीटिंग्स करते हैं, हर 15 दिन में एक बार मीटिंग करते हैं, तीन तीन घंटे की मीटिंग होती है, और इन 3-3 घंटे की मीटिंग के दौरान आपको वीडियो बनाना सिखाया जाता है, आपका वीडियो बना के भी देते हैं, और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये सारी चीजें सिखाते हैं। आपने और एक प्रश्न पूछा था उमेश जी। सर आपने और एक प्रश्न पूछा, फीस कितनी है, इसका फीस कितना है? या तो इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल रखी है हमने, बहुत ही मिनिमम फीस रखी है। अगर आप ये सारे नॉलेज को ऐसे देखें, और अब जो मैं फीस बोलने जा रहा हूं तो वो बहुत छोटी फीस है, 3 महीने की फीस जो है उमेश जी हमने सिर्फ 30,000 रुपए रखी है, मात्र 30,000 में हम ये पूरा जो है फॉर्मूला दे रहे हैं। नहीं सिर्फ फॉर्मूला दे रहे हैं बल्कि चीजों को बना के भी दे रहे हैं, 3 इंटरव्यू वीडियो बना के दे रहे हैं। आपके प्रश्न का उत्तर, या चलिए आप कुछ बोलना चाहते हैं उमेश जी इसके ऊपर? नहीं सर, बहुत बढ़िया है सर, ये तो मतलब हमारे लिए बहुत एकदम रामबान का काम करेगा सर, ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, बहुत बढ़िया सर। परफेक्ट, थैंक यू। चलिए सैयद जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है इस टॉपिक को लेकर। हाँ सर, ये तो मैं समझ गया कि फीस क्या है, लेकिन सर हाउ टू रजिस्टर्ड, हम इसमें रजिस्टर्ड कैसे करें? देखिए रजिस्टर करना बहुत आसान है सैयद जी, बहुत आसान है। ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन भी ली जा सकती है, और साइमल्टेनियसली वहीं के वहीं इसका पेमेंट करके इस प्रोग्राम को रजिस्टर किया जा सकता है। तो ये प्रोग्राम जो है वो 1st वीक ऑफ जुलाई से शुरू होगा, हर 15 दिन में इसकी मीटिंग होगी, हर महीने के हर 15 दिन में 1st और 3rd बुधवार के दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हम मिलेंगे। हर 15 दिन में 3 घंटे का समय हम इस प्रोग्राम में देते हैं और ये सारी चीजों को लेते हैं। तो बुधवार के दिन, पहला बुधवार और तीसरा बुधवार सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ये प्रोग्राम होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक रखा है, इस लिंक के द्वारा एक व्यक्ति जो है वो इस प्रोग्राम को रजिस्टर कर सकता है। चलिए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई होप सैयद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया। यस सर, एग्जैक्टली। उमेश जी, यतेंद्र जी, नारायण जी, आप अपना वीडियो चालू कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर इसको रजिस्टर कब तक करना है? सर इसको रजिस्टर जो है 1st वीक ऑफ जुलाई से हम शुरू करने वाले हैं, 1st वीक ऑफ जुलाई से, उससे पहले कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। और सर ये फीस इंस्टॉलमेंट में रहेगी सर कि अपने को एक मुश्त देनी है? नहीं, ये फीस जो है वो लमसम रहेगी, लमसम रहेगी। परफेक्ट है, या बोलिए सही।
सर एक क्वेश्चन और है कि ये जो आपका क्लासेस चलेगा ये बैचेस में चलेगा या इंडिविजुअल होगा? नहीं, पैकेज में चलेगा, सबके साथ में चलेगा। वीडियो जो बनेंगे वो तो इंडिविजुअल वीडियो बनेंगे, क्योंकि इंटरव्यू फॉर्मेट में जो वीडियो होगा वो तो इंडिविजुअल वीडियो बनेगा, लेकिन जो ट्रेनिंग होगी वो सबके साथ में चलेगी। परफेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सैयद जी, उमेश जी, यतेंद्र जी और नारायण जी, आप लोगों ने अपना समय निकाला, आप इस प्रोग्राम में आए और कुछ ऐसे प्रश्न किए जिससे कि ये जो हमने 3 महीने का प्रोग्राम बनाया है इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।